नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने आज प्रेस वार्ता कर कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दीपक बलूटिया ने कहा, विधायक बंसीधर भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति दमवाढूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने के नाम को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने कहा, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो फिर कैसे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दफ्तर में इस मुद्दे को लेकर विधायक ने चर्चा की, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2024 को कोर्ट में होनी है। निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी और विधायक की नज़र दमवाढूंगा के वोटों पर टिकी है, जिसको लेकर कालाढूंगी विधायक ये सब कर रहे हैं। ये भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमवाढूंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहाँ सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमवाढूंगा में 100% आबादी है और यहाँ सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों, और बार बार ये समय बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इनकी मंशा साफ भी है, लोगों को अधिकार, उनके हक मिल सके। अगली तारीख 3 सितंबर 2024 है। मुझे उम्मीद है कि काउंटर आने के बाद हम जब रिजॉइंडर देंगे तो निश्चित तौर पर जवाहर ज्योति और दमवाढूंगा के लोगों को मालिकाना हक मिलने जरूर मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे से राजनीति की जा रही है, या तो उनको पता नहीं है कि मामला अंतिम पड़ाव में उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी, हमने रिट पटिशन, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट पटिशन वहाँ करी थी, जिसका नंबर 118 सन 2021, सिर्फ डिले सरकार की तरफ से, और जो नगर निगम जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उसका काउंटर नहीं दे रहे हैं, यदि काउंटर दें तो ये तुरंत आगे कार्रवाई, एक कदम आगे बढ़े और लोगों को अधिकार मिल सके। तो ये सिर्फ गुमराह करने का है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव सामने हैं, लोगों को ये लगेगा कि ये लोग हमारे लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमेशा से भाजपा सरकार का एक एजेंडा रहता है। आप सरकार के एक विधायक हो, जो सरकार आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हो, बजाय आपको अपनी सरकार से बात करने के कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को जो रोका गया है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए, आप जा रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो, और आप जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको जो बात करनी है उच्च न्यायालय में आप बात करिए। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।